सीरी, कॉर्टाना, एलेक्सा, गूगल डुप्लेक्स, चैट स्पॉट, हब स्पॉट, चैट बॉट और चैट जीपीटी जैसे एआई बॉट्स ने हम इंसानों को मुकम्मल तरीके से घेर लिया है। इस बात का क्लेम इवन इलोन मस्क ने बहुत पहले एक वीडियो में भी किया था। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. एजुकेशन, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंसेस की फील्ड में एआई का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नो डाउट एआई इस सदी की अचीवमेंट है, जस्ट लाइक इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। पर दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह की तरह एआई की भी कुछ डार्क साइड्स हैं, जिनको इस वीडियो में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर वन पे है फेक रिव्यूज। एआई के आने से अब आप फेक रिव्यूज हासिल करके अपनी प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। ये फेक रिव्यूज दिखने और पढ़ने में आपको बिल्कुल भी फेक नहीं लगेंगे। इस किस्म का इस्तेमाल अब मुख्तलिफ ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग के प्लेटफॉर्म सच एज अमेजोन, दराज, फेसबुक पे हो सकता है, जहां पे प्रोडक्ट्स को प्रमोशन के लिए एआई बॉट्स से फेक रिव्यूज दिलवाए जाएंगे। उसके अलावा फाइवर, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स जहां पे आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वहां पे भी आप एआई को इस्तेमाल करके फेक रिव्यूज हासिल कर सकते हैं। एआई को इस गलत वे में इस्तेमाल करने का नतीजा ये होगा कि आम लोग जो वो फेक रिव्यूज वाले प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बाय करेंगे, उससे धोखा होगा और यूं सबका ट्रस्ट खत्म होने लगेगा। नंबर दूसरे पे है मिसयूज इन एजुकेशन। कॉपी लीक्स प्लेटफॉर्म के मुताबिक स्कूल के बच्चों में एआई को यूज करने की परसेंटेज 108% तक हो गई है और ये परसेंटेज हर लेटेस्ट सर्वे में बढ़ती जा रही है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों का एआई का मिसयूज करने से एजुकेशन सिस्टम खराब हो सकता है। नंबर तीसरे पे है प्राइवेसी और डेटा कंसर्न्स। एआई के डार्क साइड में एक बड़ा मसला है प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी। जब हम एआई सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं, हमारे पर्सनल और सेंसिटिव डेटा उन सिस्टम्स में शामिल हो जाता है, लेकिन क्या एआई बोर्ड कंट्रोलर्स उस डेटा का सही इस्तेमाल और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं? द आंसर इज अ बिग नो। कुछ एआई सिस्टम्स तो हमारी डेटा बेचते हैं, जिसकी वजह से हमारी पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन खतरे में आ सकती है। इसी के मुतल्लिक एक मुहावरा है कि इफ समथिंग इज फ्री इन द डिजिटल वर्ल्ड, इट इज बिकॉज इट इज यू दैट इज फॉर सेल। नंबर चौथे पे है डीप फेक्स और क्लोन वीडियोस। डीप फेक्स या क्लोन वीडियोस ऐसे वीडियोस होते हैं जिनमें आपकी आवाज और आपकी पिक्चर इस्तेमाल करके किसी भी तरह की वीडियो बनाई जा सकती है और आपकी आवाज इस्तेमाल करके बहुत से फ्रॉड्स किए जा सकते हैं। सैंपल के तौर पे मैं आपको ऐसा ही एक क्लोन वीडियो दिखाता हूं। आई एम नॉट मॉर्गन फ्रीमन एंड व्हाट यू सी इज नॉट रियल। वेल, एट लीस्ट इन कंटेंपरेरी टर्म्स इट इज नॉट। एआई को इतनी ताकत है कि आप उसको कोई भी 3 सेकंड्स की वॉइस क्लिप प्रोवाइड करें और फिर एआई उस क्लिप से उस आवाज़ की पिच, फ्रीक्वेंसी, बोलने का तरीका कॉपी करके आपको किसी भी टाइप की आवाज़ बना के दे सकती है। इसके अलावा फ्यूचर में शायद एआई के इस्तेमाल से मुल्क के सियासी लीडर्स की आवाज़ें और क्लोन वीडियोस बना के फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडाज फैलाए जाएंगे। एआई की ऐसी ताकत हम इंसानों की जिंदगियां मुश्किलात में डाल सकती है। फिफ्थ डेंजरस डार्क साइड ऑफ एआई इज मिसयूज ऑफ एआई। एआई का इस्तेमाल दुनिया भर में बहुत सारे एरियाज में होता है, जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन। एआई के जरिए हम ऑटोमेशन, प्रेडिक्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एआई की ताकत हमारी समझ से बाहर है। एआई एल्गोरिथम्स इतनी तेजी से सीखते रहते हैं और डेटा एनालाइज करते रहते हैं कि हम उनकी सोच और फैसले को समझ नहीं पाएंगे। इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं ट्रिस्टन हैरिस और आजा रस्किन को मेंशन करूंगा। इन दोनों ने द स्पेशल डायलेमा के नाम से एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 15% माहिरीन का मानना है कि एआई इंसानों को खत्म कर देगी, क्योंकि हम इंसान एआई को कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखते। नंबर सिक्स डेंजरस डार्क साइड ऑफ एआई इज ऑटोनोमस वीपन्स एंड एथिकल कंसर्न्स। एआई की डार्क साइड में ऑटोनोमस वीपन्स का इस्तेमाल भी आता है। जब एआई सिस्टम्स को वीपन्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है तो खौफनाक कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। ऑटोनोमस वीपन्स अपनी ही फैसले लेने की ताकत रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंट्रोल से बाहर निकल सकते हैं। मसलन आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एआई कैसे एक रोबोट में काम कर रही है। एआई का इस्तेमाल और तरक्की एक अजीम कामयाबी है, लेकिन हमें इसकी डार्क साइड से भी वाकिफ होना जरूरी है। प्राइवेसी
प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का ख्याल रखना और ऑटोनोमस वीपन्स के इस्तेमाल पर नज़र रखना ज़रूरी है। एआई के सही इस्तेमाल के लिए हमें एथिकल गाइडलाइंस बनानी होंगी। अब ये हमारे हाथ में है कि हम एआई को एक सही और रेस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करें और इसकी डार्क साइड से बचें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपकी नज़र में और कौन से एआई की डार्क साइड्स हो सकती हैं? यू कैन मेंशन दोज इन द कमेंट सेक्शन। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।